जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ग्रिड मेथड बता रहे हैं जिससे आप कोई भी पेंटिंग, कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो उससे। ये वो मेथड है जिससे बड़े बड़े आर्टिस्ट छोटी से बड़ी पिक्चर बनाते हैं और बड़ी से छोटी पिक्चर बनाते हैं। तो आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी छोटा बना सकते हैं। शुरू में आप इजी सी पिक्चर ले लें, कोई भी आपको अच्छी सी, कोई भी आपको कोई पिक्चर अच्छी लगती हो, किसी हीरो हीरोइन की या किसी पॉलिटिकल लीडर्स की या फ्रीडम फाइटर की। इस पे हमने देखी ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है, ग्रिड मेथड क्या होता है। ये हमने इसको एक एक इंच पे हमने इसके बॉक्स बना दिए, इस दोनों साइड, यहाँ भी और इस तरह भी, हॉरिजेंटल वर्टिकल, एक एक इंच पे हमने इसको फ्रेम में कैद कर दिया है ये। उसके बाद हम बड़ा बनाना होगा तो हम इससे जितना मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना ही बड़ा बन जाए। ये एक इंच का है और हम दो इंच के बॉक्स बना करके ग्रिड सिस्टम मेथड पे दो इंच कर लेंगे तो वो जिससे डबल बन जाएगा, तीन इंच कर लेंगे तो तीन गुना बड़ा बन जाएगा, और इससे हाफ लेंगे तो इससे छोटा बन जाएगा। तो आज मैं आपको, ये हमारे पास एक छोटा पोस्ट कार्ड है, इससे हमें जितने बॉक्स चाहिए थे उतने बॉक्स हमने इस पर बना लिए हैं। उसी तरह से इस पर हमें जितने बॉक्स चाहिए थे वो बना लिए हमने। ये दो दो इंच का बना है, ये इस थोड़ा सा छोटा बनेगा पिक्चर इससे। और इसका तरीका क्या होता है, इस पिक्चर को साइड में रख लें जिस पिक्चर पर आपने ग्रिड बनाया है, और आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से शुरू करेंगे, राइट साइड से। देखिए वन बाई वन, अगर आप ग्राफ आपने पढ़ा है, जो फिफ्थ सिक्स क्लास के बच्चे हैं वो एक्स वाई की वैल्यू ग्राफ पे रखना जानते हैं, तो बहुत आसानी से जिस बॉक्स में जो लाइन है वो लाइन हम इसमें बना देंगे। सिंपल सी बात है बस, और उसकी आउटलाइन जब बन के तैयार हो जाएगी तो हम उसमें सेट कर देंगे। सबसे पहला कि आउटलाइन हम कैसे बनाएं, ये ग्रिड मेथड से मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है और इसको जब आपको अच्छे से बनाने आ जाएगी तो आप फ्री हैंड भी आप बना पाएंगे। तो ये सबसे पहले ग्रिड मेथड का हेल्प लिया जाता है, बड़े बड़े आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं। देखिए हम चलते हैं 3x2 से, इस तरह ये दो नंबर है और ये तीन नंबर है, हमने नंबरिंग इस पे डाल रखी है, आप भी इस पे नंबरिंग डाल दें। और 2 और 3 से, तो हमारा ये, हमने इसको 2 और 3 ये नाम दिया है इसको। तो ये देखिए यहाँ से हमारा जिस तरह से, जिस बॉक्स में इसका जो जहाँ से इसकी लाइनिंग जा रही है उसी तरह से हम भी इसकी लाइनिंग बनाते हुए ले आएंगे। तो आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ से आपको बनाते हुए दिखाएंगे, और जिधर जिस बॉक्स में ये लाइन जाती जाएगी उसी तरह से आप भी उसी लाइन को आप इस साइड में देखते जाएं, और ये आगे जा रहा है कितना दूर है ये आपको मेजर करना पड़ेगा। ये देखिए इस कॉर्नर से यूँ घूम के आया है, फिर ये कितना दूर है इसमें आप देख लेंगे, इधर भी आप देख रहे हैं ये कितनी दूर है, ये आपको एक बार अंदाजा लगाना पड़ेगा। और जो ये बनेगा ये भी फाइनल नहीं रहेगा, उसके बाद हम इसको फिर मेजर करके और अच्छा सा बना लेंगे। तो इस तरह से आप, हमने आपका टाइम बचाने के लिए कुछ इस पर ड्रॉ कर दिया है, पर आगे हम आपको बता रहे हैं। देखिए यहाँ इसके इस तरह से इस बॉक्स, जिस बॉक्स में जो आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है उस तरह से आप उसकी लाइनिंग के अकॉर्डिंग आप बना लें। यहाँ पे हमने ये लाइन हार्ड बनाई है, पर आपको सॉफ्ट बनानी, क्योंकि ये बाद में इरेज करेंगे, ये कोई काम के नहीं, ये हेल्पिंग लाइन है हमारी, ये लाइन हमारी हेल्पिंग है, इनको हम इरेज करेंगे, इसलिए इनको हल्के हाथ से बनाना, क्योंकि इरेज करना है इसके बाद। ये देखिए जहाँ इस बॉक्स में आप देख रहे हैं, इस तरह से देख लीजिए आप, इस लाइन जिस दर से जो लाइन आ रही है हम उसको धीरे धीरे चेक करते हुए, और डॉट, आप डॉट डॉट करके भी शुरू कर सकते हो, डॉट डॉट करके यूँ चले जाए, फिर आपको लगे कि हाँ ये इधर से आया है तो उसको लाइन को हम फिर आप डार्क कर देंगे, परफेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये देखिए, ये यूँ जा करके, ये घूम करके, ये जिधर जिधर जैसे जा रहा है आप उसको बनाते जाएँ। इस साइड में आप देखिए यहाँ तक हमने बना दिया है, इसके पीछे आप देखेंगे तो ये इसका जो रिबन का जो है, ये देखिए इस लाइन से ऊपर यूं जा कर के और इन दोनों के हाफ में से घूम के आ गया, तो आप भी इसको थोड़ा बाहर निकाल के इस तरह से घुमा दें, यहाँ तक ले आए। फिर सिंपल सा है, जिस बॉक्स में जो चीज़ आपको
ये दिखाई दे रही इस लाइन के ऊपर, देखिए आपको ये जो गोल सर्किल है इस लाइन से हाफ है, और यहाँ पे ये ईयर्स टच हो रहे हैं, और यहाँ पे आपका हेयर्स और कान का टच है। इसके बाद देखिए यहाँ से ये लाइन इसमें आपकी जा रही है यूँ घूम करके, और हाफ से ज़्यादा तक में जाके घूम के आया है, और यहाँ तक इस तरह से मेजर आप कर लें। पहले आप बिगनर्स हैं तो भी कोई बात नहीं है, और प्रोफेशनल तो इससे बनाते ही बनाते हैं पेंटिंग इस तरह से। ये देखिए ये आउटलाइन बनाने का सबसे आसान और इजी तरीका है, जिससे बहुत जल्दी से आप कोई भी पिक्चर कोई भी तस्वीर आप आसानी से बना सकते हैं। और आप, मैंने एक बार बताया भी था, आप अपने मम्मी पापा दादा दादी अपने खुद की पिक्चर पेंटिंग आप इससे बना सकते हो। ये वही तरीका है जिससे, देखिए नीचे इसके बाद हेयर्स जहाँ से आ रहे हैं, ये सिंपल सा है कि आपको ये ग्राफ सिस्टम अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये ग्रिड मेथड आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा पेंटिंग बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए। हम सिर्फ आउटलाइन बना रहे हैं, उसके बाद हम फिनिश टच करके भी आपको दिखाएंगे, और मिक्सिंग का तरीका वही रहेगा जो हमने 5-6 सिस्टम आपको बता रखे हैं। ये देखिए हमारी आउटलाइन बनती चली गई है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ, ये देखिए ये जो हमारा कान था, कान के बाद से यहाँ पे ये जो कॉलर है यहाँ से शुरू होकर के इधर से टच होकर के गई, कॉलर यहाँ पे तक आई, ये यहाँ से आप ये बहुत इजी सी बना लेंगे। आप एक बार बनाना शुरू करेंगे ना, जिधर से जो लाइन जा रही है, जिधर से जो जिस जिस बॉक्स में से वो जाके गुजर रही है, उधर से भी आप बना लें तो उसको वैसी ही पेंटिंग आपकी बन जाएगी जैसी जो बॉक्स में आपने बना रखी है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है ये, और बड़े बड़े आर्टिस्ट छोटे से बड़ी पिक्चर बनाने में और बड़ी से छोटी पिक्चर बनाने में इसको यूज़ करते हैं। ये देखिए ये आपकी, आउटलाइंस बनके तैयार हो रही है। इधर से देखिए अब ये देखिए ये जो हमने इस बॉक्स में ये सीन है टोड़ी है, तो इस ये क्रॉसिंग पे आ रही है आपकी, तो इस पर क्रॉसिंग से बाहर आगे गए, तो यहाँ से नीचे ये कि डार्क है और इस लाइन में से जा रहा है, तो आप भी इसी में से चले जा कर के आगे चले जाइए, और फिर इस हेयर में से ये इसको मर्ज कर देना आगे से, ये यहाँ तक हिस्सा इसका डार्क रहेगा, वो डार्क बाद में करेंगे, सिर्फ आउटलाइन बनाएंगे। अब देखिए इसकी ये सेकंड कॉलर यहाँ से देखिए इस ये लाइन आ रही है, हमने भी यहाँ पे लाइन बना बनी हुई है हमारी भी, और इस तरह से ये जा करके यूँ इसमें टच हो रही है, और ये इसकी कॉलर यहाँ से बाहर निकली है, और ये कॉलर वाला हिस्सा यहाँ तक आ गया है, और नीचे इसकी ये जो फ्रॉक वगैरह छोटी बच्ची का, तो ये सिस्टम ऐसे में बाद में डिजाइन वगैरह हम बाद में इसको बना के फिनिश कर देंगे, इसका फिनिशिंग इसकी बाद में दे देंगे। तो आप ये आउटलाइन बनाने का ही तरीका है, आउटलाइन इसी भी आप हेयर्स भी देखेंगे तो जहाँ जहाँ से हमने आउटलाइन इसकी बनाई है तरीका वही है, जिस बॉक्स में जो कुछ भी बना रखा है उस बॉक्स में भी आप वो बना दें तो वो आपकी वो पेंटिंग वो पिक्चर बन जाएगी। ये सिर्फ आउटलाइन बनाने का तरीका है, ये कितना बाहर है कितना अंदर है वो सब देखिए, इधर आउटलाइंस में जो आपको दिख रहा है उसी तरह से आप इसको बना दें, जिस बॉक्स में जो चीज़ बनी हुई उसमें वो बना दें आप। ये एक ग्रिड मेथड है आउटलाइन बनाने का, ये आउटलाइन बन करके हमारी तैयार हो गई है, ये आउटलाइन इसकी तैयार होगी, बाद में हम इसमें मिक्सिंग डाल करके शेडिंग दे करके हम वैसे की वैसी पिक्चर हम आपको बना सकते हैं। ये ग्रेडिंग मेथड और ये पेंसिल से ड्रॉ करने का तरीका है। थैंक यू।